हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो जी, कल जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वापस, अब ऐसे हम वापस पहुँच चुके हैं अपने यहाँ पे घर और तेवा। और जब हम कल यहाँ पे पहुँचे तो बाहर था बहुत बुरा हाल। तो अब हमें फाइनली निकालनी पड़ेगी अपना स्नो ब्लोअर वाली मशीन और करना पड़ेगा बाहर मामला साफ। बाहर इतना बुरा हाल है कि कल हमने कोशिश करी थी गैराज और ओपन करने की, पर वो हुआ नहीं, नीचे बिल्कुल जमा पड़ा था। अब अगला दिन है, देखते हैं खुलता है नहीं खुलता। ये नहीं खुला तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, उससे पहले हम दिखाते हैं कि कल क्या सीन था जब हम पहुंचे, क्या हाल था। या इतना बड़ा स्नो का पहाड़, बड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़िया स्वागत हो हमारा वापस आने का। अंदर कैसे घुसूंगा मैं, टाप टूप के आना पड़ेगा इधर उधर से। ये तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वीकेंड पूरा सफाई में निकलना। चलो जाओ, लेके आओ भी। वो तो स्नो ब्लोअर चलाना पड़ेगा। या मैं वो केनी लेके आता हूँ, भरवा के लाते हैं आज, फिर कल चलाएंगे स्नो ब्लोअर। अभी हमने ना कहते हैं गैराज को खोलने की कोशिश करी रिमोट से, इतना सा खुला, बेचारा बहुत जोर लगा था, मैं बंद ही कर दो उसको, कोई फायदा नहीं। जम बिल्कुल जाम हुआ पड़ा वो बीच में। कहते हैं थोड़ा मौसम अच्छा हुआ था तो पानी वानी पिघला होगा, नीचे आइस बन गई होगी, उसके बाद फिर मौसम ठंडा हुआ तो वो जो दरवाज़ा वो चिपक जाता नीचे बर्फ पे, ना बर्फ बनती है। तो थोड़ा सा पांच लीटर का भर लेते हैं। वापिस आके सबसे पहला काम तो हमने स्नो साफ करनी है, और दूसरा घर में कुछ होगा नहीं दूध वगैरह, तो सबसे पहले ग्रोसरी लेके उसके बाद ही गृह प्रवेश करेंगे अंदर। अब मैं ट्राई करती हूँ एक बार दोबारा अपना गैराज डोर खोलने की। खुल गया। कल मैं नहीं खोल रही थी ना, इसलिए तो एक गाड़ी हमने कल बाहर वहां लगाई थी क्योंकि अंदर ला नहीं सकते थे। हाँ। बहुत बाहर बहुत बुरा हाल है। यस। और कल हम अपने यहाँ से रास्ते से वापस नहीं आए, हम पड़ोसी के वहां से चल के आए, उधर से फिर चल के यहाँ से ऐसे चल के फिर अंदर गए लंबा रूट लेके एक्स्ट्रा, क्योंकि उधर साफ था उनके वाला गैराज ना। हाँ। वो अपना ड्राइवे। और अभी थोड़ी टाइम पहले स्नोफॉल हो गया, थोड़े पहले बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है यहाँ पे। अभी मामला थोड़ा सही है, उससे पहले साफ कर ले। कल इसका बिल्कुल साफ था पड़ोसी का ड्राइवर, अब ये भी पूरा ढका पड़ा है बर्फ से। चलो पहले अपना स्नो ब्लोअर काट लिया, पहले स्नो ब्लोअर चला के देखते हैं। कल हम ले आए थे गैस, अब हमने भर दिया उसके अंदर, फुल कर दिया उसको टैंक उसका। अब चालू कर देते हैं, चालू होता नहीं होता। इसकी ना हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है पहियों की, तो मुझे लग रहा थोड़ा चलाने में दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं, फिलहाल चला के देखते हैं। कितने साल हो गए इसको निकाले हुए? पिछले साल भी हमने निकाला इसको, निकाला था पिछले साल। हाँ। पूरा साल ही हो गया इसको चले हुए, मतलब भूल भी गया उसको ऑन कैसे करते थे। वही वो खींच खींच के तो चालू होने दी थी, तो उस पर लिखा होता है जुगाड़ है, एक हमने प्लग लगाया इसके अंदर, इसमें लिखा कि बटन दबाओ, कोशिश करो इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने की। मैं 10 बार पहले करके देख चुका हूँ, हुआ नहीं।
धीरे धीरे करके देखता हूँ, शायद गर्म हो जाए, ठंडा बहुत टाइम से पड़ा है, करे देखते हैं। अब हुआ क्या कि पहले बर्फ पड़ी, फिर थोड़ा टेम्परेचर ऊपर बढ़ा तो बर्फ पानी बनी, फिर दोबारा ठंड पड़ी तो फिर वो बर्फ की लेयर, बर्फ मतलब कि पानी की लेयर बर्फ बन गई। ये देखो स्नो स्नो, ये बीच में पूरी बर्फ की लेयर है, और ये जब उससे टूटती है अपने स्नो ब्लोअर से तो ये टूट के उड़ती है बहुत ज़ोर से, और अगर एक गाड़ी के शीशे पे लगे तो गाड़ी का शीशा तोड़ सकती है, तो इसलिए बड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये वाला काम, स्पेशली ऐसी हालत में जब आइस जमी हो। ये देखो चलो भाई, 3/4 साफ हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, बस फटाफट निपटाते हैं, फिर इसकी थोड़ी फिनिशिंग करेंगे बाद में। अब देख रहे होंगे कि कहते हैं मैं ये चला था, इसने ये पकड़ा हुआ था चेरी ने, तो उसका रीज़न ये कि यहाँ पे कंट्रोल हैं सारे उसको हिलाने के लिए, पर वो ना कंट्रोल इसके सारे तारे थोड़े लूज़ हो चुकी हैं, बहुत टाइम से लूज़ पड़ी हैं, इसको लगाने में जितना टाइम लग जाना उससे कम टाइम में तो ये सफाई हो जाती है, तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं ये करता नहीं इसको ठीक, इसको बाद में आराम से कभी सही करेंगे। हाँ। बट फिलहाल काम चलाने के लिए इतना बहुत है, काम चल जाता है बढ़िया, तो वो मेहनत आराम से किसी और टाइम के लिए। हाँ। हाँ, जब भी काफी तक सफाई होगी, एटलीस्ट अब हमारी गाड़ी अंदर आ सकती है। काफी हद सारी सफाई हो गई है, काफी हद क्या होता है, वो मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा रह गया, ये अब दो दिन में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने पिघल जाएगा। नहीं अभी वो हवाएं गंदी चल रही है ना, देख
या बहुत बुरा हाल है पीछे अभी। हाँ। तो अभी और स्नो पड़नी है तो अभी इसको बिल्कुल साफ होने का वैसे कोई फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल साफ हो चुका है, बहुत अच्छे साफ हो चुका है और जल्दी हो गया, इतना टाइम नहीं लगा जितना लग रहा था। ज्यादा मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को था कि बर्फ वो आइस बनी हुई है तो उसमें शायद टाइम ज्यादा लगे, बट इसने निकाल दिया। हैंडी चीज है। होता है घर पे ना रहो ना थोड़े दिन तो बस। और यहाँ पर एक और चीज होती है, अगर आपका ड्राइवर साफ ना हो और आपने कोई डिलीवरी मंगाई है और बंदा गिर गया तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। दे कैन सू यू। इसके वजह से बर्फ डालना जरूरी है क्योंकि जब इसको हम अंदर रखेंगे ना तो फिर अंदर बर्फ पिघलेगी, वो अंदर फिर फ्लोर खराब करती है, तो इसलिए यहाँ जितनी ज्यादा हटा सकता हूँ मैं बर्फ साफ कर दूँ इसके ऊपर से, फिर इसको रखूंगा अंदर फाइनली। इसके ना सारे इंजन पिंजन ना लूज हो गए हैं, देखो जैसे ये हिला जा रहा है, ये पूरा हिल रहा है मामला, ये तार बाहर निकली हुई है, ये भी सब देखो ऐसे झूल रहा है। तो ना जब गर्मी आएंगी तब इसको मैं पूरा टच करूंगा तसल्ली से बैठ के, क्योंकि सर्दियों में तो बार बहुत बुरी हालत अभी होगा नहीं, फिर इसको पूरा पूरा इसकी वो करेंगे रीहॉलिंग करेंगे इसके अच्छे से ताकि अगले विंटर के लिए एकदम रेडी रहे। रेडी चलो अंदर कर दो। चलो अंदर बट बहुत सही चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बिना नहीं होना सी साडा काम। अब ये हमें घंटा लगा डेढ़ घंटा लगा लो। हाँ, बाकी इसको चालू करने में तेल लाने में आधा घंटा और लगा लो, बट कायदे से डेढ़ घंटे साफ हो गया। अगर ये हम हाथों से करते हैं तो एटलीस्ट 3-4 घंटे हमारे कहीं नहीं गए थे, और वो भी गारंटी नहीं कि होता है नहीं होता, वो भी हम बीच में फिर हाथ खड़े कर लेते हैं। हुन चाहिए चाय पकौड़े। चाय से पकौड़े, चाय चाहिए पकौड़े तो कोई नहीं, मैं टाइगर नाल काम चला लूंगा बट फिलहाल चाय जरूर चाहिए। तो जैसे बताया था मैं, मेरा बटुआ गुम हो गया था, उसमें था मेरा पीआर कार्ड, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी पीआर कार्ड रिन्यूअल के लिए कि नया पीआर कार्ड आ जाए, वो हमने लगाई थी जब हम हमारे जाने से पहले। हाँ, मैक्सिको जाने से पहले। तो अभी पिछले हफ्ते ही उनका वो आया वापस, मेरी फाइल वापस आ गई, कहते हैं कि इसमें ना फॉर्म में एक चीज़ है इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं है, दोबारा भर के भेजो। तो हमने फॉर्म दोबारा भरा, अब आए हैं यहाँ पे स्लिप प्रिंट आउट लेने के लिए, भरते हैं फिर इसको पोस्ट करते हैं, फिर जल्दी से आए यार अटका दिया। प्रिंट आउट ले लिया मैडम, ज़रा वेरीफाई करिए सब कुछ ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन पेपर्स पे, उसके बाद फिर जाके डालते हैं इसको पोस्ट करने के लिए। व्हाट इज दिस सनी? लगी? बच गया। नोकीला दे नोकीला ये। ओ बॉय। खतरनाक यार, जल्दी से अपना खत्म हो सर्दियाँ सुर्दियाँ। वैसे तो गर्मियों में कितना चहल पहल होती है पीछे पार्क में, अब जल्दी से आए गर्मियाँ सर्दियाँ जल्दी ख़त्म हो। और होपफुली कल कह रहे हैं कि मौसम ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कल ही पता चलेगा कितना अच्छा होता है। बाकी इंतज़ार करते हैं अच्छे मौसम का और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड ऑटवा।